बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम सब देखने सुनने वालों को, सब उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, दुआ करूँ सब सब खैरियत से होंगे। आज हम सफर कुकिंग लिविंग लाए हैं आपके लिए, इजी ज़बरदस्त यमी यमी तेरा मुसू, ना चूल्हे की ज़रूरत ना ओवन की ज़रूरत, सब चलिए किचन में चल के बनाती हैं। तेरा मुसू तेरे लिए, मेरा मुसू मेरे लिए, तेरा मुसू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए जी तेरा मिसू केक, चलिए मिलकर बनाते हैं। आज हम सब कुकिंग एंड लिविंग लाए हैं आपके लिए इटालियन तेरा मिसू, इटालियन स्वीट डिश बन रही है आपके लिए आसान तरीके से। इटालियन तिरामिसू शुरू करने के लिए सबसे पहले कॉफ़ी चाहिएगी, 2 टेबलस्पून कॉफ़ी। हम दूध के साथ बना रहे हैं, वैसे वो बनाते हैं पानी के साथ। दूध जा रहा है जी, अब दूध जो है ना जी वो गर्म होना चाहिए, गर्म दूध, क्योंकि कॉफ़ी जो है गर्म दूध से बनती है ना जी। कॉफ़ी को हम ठंडा कर लें, जब तक वो ठंडी होती है हम इसकी क्रीम शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह करके। दुरूद पढ़ना ना भूलें, एक दफ़ा सब मिल के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुरूद पढ़ लें। हम चीज़ को बीट करने लगे हैं, ये मोन क्यू चीज़ है और ये मस्कारपोनी चीज़ है, आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मस्कारपोनी चीज़ जा रही है, ये चीज़ को जिस स्पैचुला से नरम कर लें। अब इसमें 2 से 3 चम्मच चीनी शामिल कर लें, हम इसको बीट करेंगे बीटर से। इसमें व्हिपिंग क्रीम भी इस्तेमाल होगी, वो अभी फ्रिज में है, अब इसमें हम व्हिपिंग क्रीम शामिल करेंगे। ये जी शाम 500 ml क्रीम थी और इसमें 2 चम्मच चीनी के जाएंगे, वही पाउडर वाली चीनी। अब इस क्रीम को भी हम बीट करेंगे आराम से। ये देखें जी, हमने गत्ते से ऊपर का ढक्कन बना लिया इसलिए कि वो बाहर ना आए, ये भी एक टिप है आपके लिए। ये देखें जी क्रीम हमारी बीट हो गई है, देखें देखें बाहर कोई गर्म चीज़ नहीं आई, छिटें कोई नहीं आई बाहर। अब हम मिक्स कर रहे हैं क्रीम चीज़ में, चीज़ को मिक्स करना है। अब इन दोनों तीनों क्रीमों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब हम इसको स्पैचुला से मिक्स कर लेते हैं, ये देखें कितनी प्यारी क्रीम बनी है, कितनी प्यारी, पता चलता है जैसे मक्खन नहीं बनता है ऐसे बनी है। अब हम इसके 2 हिस्से करेंगे, अब इसमें हम चोको पस्ता शामिल करेंगे कलर के लिए। अब चोको पस्ता को अच्छी तरह क्रीम में मिक्स कर लें, 1 चम्मच और चॉकलेट को शामिल कर रहे हैं जी। ये जी चॉकलेट भी तैयार हो गई है जी, कि 3 सेकंड के लिए ना आप कॉफ़ी में डुबो लें तो फिर उसकी लेयर बनाना शुरू कर दें। ये देखें ये ऐसे हमने एक लेयर लगा ली है लेडी फिंगर्स की, कंप्लीट हो गई है। अब इसमें क्रीम की लेयर बनाएंगे, चीज़ की लेयर लग गई है जी। अब इसके ऊपर फिर बिस्कुटों फिंगर बिस्कुटों की लेयर लगेगी। ये देखें जी हम साइडों में बिस्कुट लगा रहे हैं, फिंगर बिस्कुट जो है साइडों में भी लग रहे हैं, देखें ये एक लेयर जो है साइडों पे लग गई है। अब हम चॉकलेट वाली लेयर लगाएंगे इसके ऊपर, ये अब फिर हम इसके ऊपर एक लेयर बिस्कुट ये लगाएंगे फिंगर बिस्कुट। हम इसके ऊपर वाइट क्रीम की लेयर लगाएंगे, ये अब तैयार है जी। हम ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रखेंगे, अगर आपके पास टाइम कम हो तो 5-6 घंटे के लिए ज़रूर फ्रिज में रखें, प्लास्टिक रैप लगा के फ्रिज में रख दें। अब ये छोटा तिरामिसू हम गिफ्ट के लिए तैयार करने लगे हैं, उसी तरह जिस तरह हमने वो किया। ये देखें जी हमने एक लेयर लगा ली है, अब इसके ऊपर चॉकलेट डालेंगे क्रीम ये ठीक है जी। अब इसकी फिर हम एक लेयर बिस्किट की लगाएंगे, दूसरी लेयर भी कंप्लीट होगी जब हम इस पर वाइट क्रीम डालेंगे। और सजने दे बेलियो, देखो किस तरह बेहतरीन इटली का केक बन रहा है, कितना मज़ेदार होएगा, जल्दी खाओगे तो पता चलेगा। तो उंगलियाँ भी ना खा लेना, क्योंकि उंगली केक जड़े बिस्कुट ना उंगलियाँ आकड़न। अब इसको हम फिर एक लेयर बिस्कुटों की लगाएंगे और फिर इसको हम फ्रिज में रखें ओवरनाइट। जो नाइट नाइट है ना जी, इसमें तो मज़ा आएगा, इसी में तो बिस्कुट सही बनेंगे। छोटे छोटे बिस्कुट जो साइडों पर लग रहे हैं, क्योंकि बड़ा उंदरा नहीं सकता, इसलिए छोटू भी तैयार हो गया जी, भी जा रहा है जी फ्रिज में, ये भी आप सुबह जाके निकालेंगे इसको। चॉकलेट को मेल्ट करने लगे डबल बॉयलर पर, नीचे पानी है जी चूल्हे पे रखा हुआ है,
तो वो मेल होगा। अभी 10 सेकंड माइक्रोवेव में आप इसको मेल कर सकते हैं। ये देखिए चॉकलेट हमारी तकरीबन मेल हो चुकी है। ओवरनाइट केक हमारा तैयार है। अब इसको हम डेकोरेट करेंगे। इसके ऊपर हम कोकोआ पाउडर डालेंगे सिर्फ डेकोरेशन के लिए। देखें, एक तरफ हमने चमचा रखा था और एक तरफ कांटा, और देखें इसके डिज़ाइन कैसे बन गए, खूबसूरत बन गया। ये आप भी कर सकते हैं। अब हम छोटू को फ्रिज में रखेंगे और बड़े को तैयार करेंगे। छोटू छोटू होता है और बड़ा बड़ा होता है। हम बड़कों को आप निकालने लगे, ये देखें। अब हम बड़के के ऊपर चॉकलेट डालने लगे हैं। अगर किसी को पसंद है कोको पाउडर, वो कोको पाउडर डाले। ये देखें जी, ये डेकोरेट हो रहे हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कि तेरा मुसी तैयार है। पहले हम एक दफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूशी पढ़ लें। बेकिंग, नो बेकिंग, नो कुकिंग, ज़बरदस्त यमी यमी। आप भी यमी यमी करके खाएं और बनाएं। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। खुश आबाद रहें। खुदा हाफिज़।